प्रदेश में आफत की बारिश हो रही है। मंडला में लगातार बारिश से नर्मदा नदी उफान पर है, जिससे छोटा रपटा पुल पूरी तरह से पानी में डूब गया है। 4 फीट ऊपर पानी बह रहा है। नर्मदा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पुलिस ने दोनों ओर बैरिकेड लगा दिए हैं, जिससे किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। मंडला जिले में लगातार 24 घंटे से हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। ताजा स्थिति यह बनी हुई है कि पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है और लोग जान को जोखिम में डालकर यहां पर सफर कर रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये पुल है, इसमें लगातार पानी यहां पर गुजर रहा है और स्थिति ये बनी हुई है कि अभी भी बारिश हो रही है और लोगों के घरों में यहाँ पर पानी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको। और ये स्थिति लगातार 24 घंटे से बनी हुई है और पानी जो है पुलों के ऊपर से बह रहा है। हमारे साथ कोई स्थानीय मौजूद, उनसे बात करना चाहेंगे। अभी बारिश हो रही है, क्या स्थिति है? बारिश लगभग 24 घंटे से चालू है। कल शाम 4 बजे से लगातार पुल में पानी है। रात में इतना पानी था, लोगों का आवागमन बंद हो गया। अभी कुछ मिनट पहले ही आना जाना लोगों का चालू हुआ है। जब भी बरसात होती है तो पानी इसी प्रकार पुल के ऊपर से जाता है। सामने सीएम राज स्कूल मॉडल स्कूल है, इसमें बच्चों का आना जाना बंद हो जाता है। साथ ही साथ लिटिल बराबर स्कूल है, इसमें भी बच्चों का आना जाना बंद हो जाता है। सभी ग्रामीण इस बरसात से काफी परेशान है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लगातार पुल के ऊपर से पानी जा रहा है, तो यहाँ पर जाम की स्थिति बनी हुई है। काफी यहाँ गाड़ियां हैं जो पीछे यहाँ पर खड़ी है। मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि वो दिखाएं। और यहाँ पर लगातार जो बारिश हो रही है उससे ये पुल ऊपर है और अभी कुछ तस्वीरें यहाँ सामने आई थी, यहाँ पर जान को जोखिम में डालकर लोग सफर कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ताजा हालात बनी हुई है और यहाँ पर लगातार लोग पुल को पार कर रहे हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर। और स्थिति ये बनी हुई है कि जो ताजा हालात है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, घरों में पानी घुस गया है, अनाज और अन्य सामान लोगों के खराब हो चुके हैं। प्रफुल्ल तिवारी, न्यूज स्टेट। ग्वालियर में बारिश से तिघरा बांध का जलस्तर बढ़ गया है। पानी की सप्लाई को लेकर आज ट्रायल होना है। कल से कई इलाकों में रोजाना पानी आएगा। बारिश के चलते अभी तक एक दिन छोड़कर पानी की सप्लाई की जा रही थी। जबलपुर में बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। देर रात से ही बारिश हो रही है, जिसके चलते रामपुर आजाद चौक पर सड़क टूटकर पानी में समा गई। पिछले 1 साल से सीवर लाइन का काम यहां पर चल रहा है, जिसे खोद कर छोड़ दिया गया था, लेकिन सुबह जब लोगों ने देखा तो पानी की पाइपलाइन के साथ सड़क भी पानी में समा गई। लगातार बारिश हो रही है और रात भर में लगभग 7 इंच बारिश हो चुकी है। हम इस वक्त जो है जबलपुर के रामपुर इलाके में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ नगर निगम सीवर लाइन का काम चल रहा था, लेकिन सुबह मट्टी धस गई, जिससे काफ़ी नुकसान यहाँ पर हुआ है। और मैं ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो बाजू में एक बिल्डिंग बना हुआ है, उसके नीचे तक की मिट्टी जो धस गई है। बताते हैं पिछले 1 साल से ये काम चल रहा था, बड़ी लापरवाही है, काम नहीं हो पाया, जिसके कारण आज ये स्थिति हो गई है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, ठाणेश्वर जी हैं। ये क्या दिक्कत हुई और अभी कितनी परेशानी आप लोगों को हो रही है? लगभग 1 साल हो गया यहाँ के सब व्यापारियों के व्यापार चौपट, राहगीरों का आना जाना तो यहाँ अभी सामने भी दो जगह गमी भी हुई है और इनको कितना भी बोल लो, इतने बेसर्वी धारण कर रखी है। और आज तो ये हो गया कि जो बड़ी पानी की मेन लाइन है वो इसके अंदर गिर गई है, जिसके कारण पानी की सप्लाई बंद हो गई और यहाँ जिनके घर है। कितनी परेशानी है आप लोगों को, कितनी डर है, क्योंकि ये भटकते ही जा रहा हम देख रहे हैं। लेकिन उसके बाद कुछ काम नहीं हुआ और अभी आप स्थिति देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके ये सड़क भिसक रही है। अमित सोनी, न्यूज स्टेट, जबलपुर। उत्तराखंड के टिहरी में भी भारी बारिश का दौर जारी है। कल रात से रुक रुक कर जोरदार बारिश हो रही है, जिससे सड़कों पर पानी भर गया है। ऐसे में लोगों का घरों से निकलना मुश्किल है। मूसलाधार बारिश और जलभराव के कारण लोग घरों में कैद हो गए हैं। साथ ही तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है।
महाराष्ट्र के गोंदिया की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां भारी बारिश की वजह से हर तरफ सैलाब का सितम देखने को मिल रहा है। भीषण बाढ़ से हर तरफ तबाही है। शहर को गांव से जोड़ने वाली कई मुख्य सड़कें बंद पड़ी हैं। इसी बीच रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। कई घरों के अंदर सैलाब का सितम है। बाढ़ग्रस्त इलाकों तक राहत का सामान आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से पहुँचाया जा रहा है। तो हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे यहाँ पर लोग अपने घरों से पानी निकालने को मजबूर हैं। नहीं, नहीं, आता